ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का रामपुर विधानसभा हलके का दौरा रामपुर कांग्रेस के लिए पीड़ादायक साबित हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की रामपुर विधानसभा हलके के ननखड़ी में आयोजित जनसभा में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले लोगों की लाइन देखने को मिली। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के रामपुर विधानसभा हलके के दौरे के दौरान रामपुर कांग्रेस के लिए पीड़ादायक ये दौरा साबित हुआ है। भाजपा वरिष्ठ नेता एवं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की रामपुर विधानसभा हलके के ननखड़ी में आयोजित जनसभा में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने वालों की लाइन देखने को मिली। इसमें प्रमुख रूप से 6 बार के रामपुर का विधायक रह चुके पूर्व मंत्री सिंगी राम का विधिवत भाजपा में शामिल होना भी रहा। इसी तरह रामपुर नगर परिषद की पूर्व अध्यक्षा मीना कुमारी सहित कुछ पंचायत प्रधान और पंचायत समिति के सदस्यों ने भी ननखड़ी में आयोजित सभा के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष भाजपा में शामिल होने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया और भगवा पटका पहनाया। इस दौरान मंच को संबोधित करते हुए भाजपा महसूल जिला अध्यक्ष समेत स्वयं मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की खूब तारीफ की। इस तरह सभा मंच से भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की तारीफ के मायने तलाशने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने ननखड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में मोदी की लहर आगे आ रही है और सभी लोग धराशाही हो रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में 5 वर्ष में भारत का नाम पूरे दुनिया में छाया रहा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से हिमाचल में भी भाजपा की सरकार उन्नति की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि उन्होंने आदर्श चुनाव आचार संहिता के लगने के बाद प्रदेश के 68 में से 36 विधानसभा हलकों का दौरा पूरा कर लिया है। लोगों में नरेंद्र मोदी के प्रति उत्साह है, इससे साफ जाहिर है कि हिमाचल की चारों सीटें भाजपा की झोली में आएंगी। उन्होंने बताया कि रामपुर के दौरे के दौरान पूर्व मंत्री सिंगी राम समेत कई जनप्रतिनिधि भाजपा में शामिल हुए हैं, इससे भाजपा को अवश्य लाभ मिलेगा। स्वाभाविक रूप से जब साथ बढ़ता है, उसमें बढ़ोतरी होती है, तो उसका लाभ होता ही है। और मैं महसूस करता हूँ कि ये रामपुर की ही बात नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में मैं 35 विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव की घोषणा होने के बाद घूम करके आया हूँ। और कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ नए लोग पार्टी में शामिल नहीं हुए, दूसरे दल से भी आए। और बहुत सारे लोग जो है वो सेवानिवृत्ति के बाद अधिकारी के रूप में और दूसरे कर्मचारियों के रूप में वो भी शामिल हुए हैं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि एक इसी कड़ी में महत्वपूर्ण एक बात यह है कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस प्रवास में श्री सिंगी राम जी, जो वरिष्ठ नेता रहे हैं, मैं कांग्रेस पार्टी में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं वर्षों तक, और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, निश्चित रूप से इनके हमारे परिवार में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी इस क्षेत्र में। वहीं पूर्व मंत्री सिंगी राम ने कहा कि उन्होंने लगातार 6 बार रामपुर से जीत कर विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने उनका बिना कारण ही पत्ता काट दिया। जब से रामपुर का प्रतिनिधित्व बदला है, रामपुर का विकास ठप हुआ है। उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के आग्रह पर ही भाजपा का दामन थामा है। वे चाहते हैं कि क्षेत्र का तेजी से विकास हो। उन्हें भाजपा के नेतृत्व को देखकर लग रहा है कि भाजपा में रहकर वे विकास करवा सकते हैं। उसको देखते हुए हमारे लोगों ने ये कहा कि डेवलपमेंट के खातिर, इलाके के डेवलपमेंट के लिए हम जो है, जो हमारी गवर्नमेंट है अभी अभी जो वर्तमान में, उस सरकार के साथ हमको सहयोग करना है और केंद्र की सरकार जो है वो मजबूत करना है। अभी इनको दो साथ इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम जो है आज सब सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज हम भाजपा में शामिल हुए। तो इससे भाजपा को कितना लाभ होगा, क्या उम्मीद करते हैं? अब देखो, एक इलेक्शन है, इसमें नफा नुकसान कहना अभी बहुत जल्दी है। अभी तो इलेक्शन कैंपेन चलेगा, लोग मेरे सब पुराने लोग हैं, अभी मैं जब आया अच्छा रिस्पांस है लोगों का, सबको मिलकर के साथ चलाना है। और मेन मुद्दा हमारा पार्टी में शामिल होने का मेरा ये है, क्योंकि पिछले 10 सालों से मैं रामपुर का जो एरिया है, रामपुर का जो क्षेत्र है, इसको मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो डेवलपमेंट है वो खड़ी का खड़ी है। डेवलपमेंट के
के नाम से यहाँ पर काफ़ी लोगों में रोष था, और यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है और जो यहाँ के जो दूसरे लोग थे जो यहाँ को अभी रिप्रेजेंट करते इस एरिया को, ना जाने क्या कारण रहा कि वो ठीक से यहाँ पर लोगों की बातों को सुन नहीं रहे हैं, शिकायतों का निवारण नहीं कर रहे हैं, और जो सड़कों के हाल खराब थी, स्टाफ नहीं